सी जी पी एस सी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो टीचर भर्ती 12,489 पदों पर हो रही है उससे संबंधित एक और अपडेट लेके आ गए हैं हमारे चैनल द्वारा। आप लोग देख रहे हैं लगातार आपको अपडेट पे अपडेट मिलते जा रहा है, जो भी इससे संबंधित छोटी से बड़ी अपडेट आ रही है सारे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए आज क्या अपडेट है देखेंगे। तो देखिएगा, अपडेट से पहले आप लोग को एक और सूचना देना चाहूँगा कि जो 12,489 पदों पर भर्ती हो रही है उसमें कुछ स्टूडेंट द्वारा, लगभग सभी जिले द्वारा, सभी संभाग द्वारा पद वृद्धि की मांग की जा रही है, ठीक है। उससे संबंधित हर जिले में, हर संभाग में ज्ञापन दिया जा रहा है, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए और अपने जो भी विधायक होंगे, जो भी सांसद होंगे, आप पद वृद्धि के लिए उनको ज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है। चलेगा, तो आज देखते हैं 12,489 पदों पर संबंधित क्या अपडेट आया। तो देखिए, जो अभी कैबिनेट का बैठक हुआ था लगभग 6 तारीख को हुआ था ना, तो उसमें जो पद विषयवार जो भर्ती हो रहा था उसको संशोधित किया गया था कि इतने पदों पर अभी विषयवार भर्ती नहीं होगी, उसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया आज के डेट में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, 11 जुलाई 2023 को यह राजपत्र प्रकाशित हुआ है। इसमें क्या है देखते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित यह राजपत्र प्रकाशित किया गया है। इसमें जो क्या दिया है, क्या संशोधन किया गया है, इसको देखते हैं। देखिए, अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 33 के कॉलम 8 में शब्द और चिन्ह या पदोन्नति सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर भर्ती होगी, इसका लोप किया जाता है। मतलब विषयवार को लोप कर दिया गया है, तो अब जो कोर्ट केस लगा हुआ था अब उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ये इसको शासन उनके समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष रख देंगे और उसमें से डेफिनेटली शासन की जीत हो गई है मान के चलो अब, ठीक है, क्योंकि राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, नियम बन गया है, जो भी उसमें सुधार था, संशोधन था, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना दस्तावेज तैयार रखना है। जितना लोग कभी उसमें क्राइटेरिया में आ रहा है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उन लोग अपना क्या कर दस्तावेज को एकदम परफेक्ट तैयार करके रखिएगा, ताकि कोई भी छोटी मोटी चूक के कारण आप दस्तावेज परीक्षण से बाहर ना हो, ठीक है। और काउंसलिंग संबंधित जो भी अपडेट होंगे जल्दी ही आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। हम लोग लगे हुए हैं जो भी हमको अपडेट मिलता है आपके तक पहुँचाने के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो भी अपडेट आएगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा चैनल में, जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होता है ना। चलिएगा, बस इतने जानकारी देना था। तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में और दबा के शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।